चने दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने थोड़े से चने के दाल लिए थे, इनको रात में भिगा दिया। रात में ओवरनाइट भिगाने के बाद ये ऐसे हो गए हैं। अब आप इनको एक बार फिर से अच्छी तरह से धो लीजिए। दाल को थोड़ा सा साफ़ करिए, फिर साफ़ करके इसको धो लीजिए। मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम दूध। दूध को बॉईल हो जाने दीजिए, फिर इसमें मैं सोक करे हुए चना दाल डाल दूँगी। I'll cover it with lid and let it be cooked. मैं एक बार मिक्सर में 10 दरा पीस दूंगी। ये पेस्ट बन गया, तो ये है आपका स्मूथ पेस्ट। फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा कराया, देखिए आपको मिक्सर में आप ऐसे दिख रहा होगा। उसके बाद आप पैन लीजिए। 100 ग्राम चने के लिए मैंने 100 ग्राम घी लिया है, बल्कि 150 ग्राम घी लेंगे। जितना ज़्यादा घी रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका हलवा होता है। मैंने ले लिया है 150 ग्राम देसी घी। मैं इसमें थोड़ी सी इलायची लूँगी, 2 इलायची ले ली। ओके, तो मेरा घी पूरा गर्म हो चुका है और इसमें खुशबू आने लगी है। मैं ये क्रश्ड इलायची इसमें डाल देती हूँ। इलायची की खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें मैं ये प्यूरे डालूँगी। अब इसे धीरे धीरे हाथों से चलाते रहें और सॉटे करें। इसको पैन में स्लोली स्लोली चलाते रहें, घी और ये चना दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से आपको 2 मिनट तक चलाना है। घी पैन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, घी इस दाल में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा अलग से घी नहीं नज़र आ रहा है। अब आपको इसको थोड़ा और भूनना है, इसका कलर ब्राउन करना है। अब देखिए, जिस पैन में आपने पैन या कुकर में ये बॉईल करा था उसमें थोड़ा बचा हुआ दूध होता है, तो इसमें ये बचा हुआ दूध डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से चलाकर मिक्स कर ले, सब कुछ पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। बहुत ही स्मूथली इसको चलाएं। देखिए अब ये प्रॉपर पेस्ट बन चुका है। अब इसको भूनते भूनते 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शुगर डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग। शुगर के लिए आप याद रखिए, आप हमेशा अपने हिसाब से डाला करिए। जितनी शुगर आपको पसंद है, आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए। मैं तो शुगर कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अब इसको आपको इतना चलाना है थोड़ी देर तक, जिससे इसका घी सारा बाहर आने लगे। अब आपको दिख रहा होगा ये हलवा काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, और हलवे की कंसिस्टेंसी भी देखिए, अब ये उतनी वैसी नहीं रही, लिक्विड लिक्विड नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट थिक होता जा रहा है, हलवे वाली फॉर्म में आ रहा है। आपको घी आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए अब ये इसका घी सारा बाहर आ रहा है और ये पैन में चिपक नहीं रहा है, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पैन में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, जस्ट लाइक आप अब उप्स सॉरी थोड़ा गर्म है या। तो इस तरह से मैंने इसको टच करा, अब आप देखिए मेरा हाथ, ये घी आपको नज़र आ रहा होगा, देखा आपने। तो मैं इसको पूरा ब्राउन रोस्ट करूँगी। ठीक है, घी गर्म करके ड्राई फ्रूट डाल दिया, थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। ओके, इसको हल्का हल्का रोस्ट करते हैं ब्राउन होने तक।